व्यक्ति के शरीर के तिल से जाने शुभ अशुभ लक्षण। नंबर एक, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। नंबर दो, पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी और रोमांटिक हो सकता है, वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग खर्च खुलकर करते हैं। नंबर तीन, जिन व्यक्ति के अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। नंबर चार, जिस व्यक्ति की तर्जनी पर तिल हो वह विद्यावान, गुणवान और धनवान होता है, लेकिन शत्रुओं से पीड़ित होता है। नंबर पांच, जिन व्यक्ति के मध्यमा पर तिल होता है ऐसा तिल उत्तम फलदायी होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। नंबर छह, बाई हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति खर्चीला तथा बाई हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। नंबर सात, जिसकी अनामिका पर तिल हो तो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। नंबर आठ, कनिष्ठा पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। नंबर नौ, गाल पर लाल तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन और दाएं गाल पर धनी बनाता है। नंबर दस, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। नंबर ग्यारह, जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है। नंबर बारह, किसी व्यक्ति के दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। नंबर तेरह, जिन व्यक्ति की दाहिनी भुजा पर तिल होता है ऐसे तिल वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है और लोग उसका आदर करते हैं। नंबर चौदह, जिस व्यक्ति के ललाट के मध्य भाग में तिल होता है तो ये उसकी निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिने तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता दर्शाता है, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। नंबर पंद्रह, यदि किसी व्यक्ति के दोनों भौहों पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी पर तिल सुखमय और बाईं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। नंबर पंद्रह, पैरों के तलवे का तिल हमेशा व्यक्ति को घर से दूर ले जाता है और बड़ी सफलता देता है। नंबर सोलह, किसी व्यक्ति की दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग थोड़े से भावुक होते हैं। नंबर सत्रह, यदि आंख की पलकों पर तिल हो तो व्यक्ति संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। नंबर अठारह, दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का और बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। नंबर 19, कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है। नंबर 20, नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। नंबर 21, होंठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। नंबर 22, मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न और सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है, उसका जीवन साथी सज्जन होता है।
नंबर 23, जिन व्यक्ति की बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है और उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। नंबर 24, जिन व्यक्ति की कोहनी पर तिल होता है ऐसा व्यक्ति विद्वता का सूचक है। नंबर 25, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है और दाई हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाई हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। नंबर 26, जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता, कुछ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। नंबर 27, रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है, किसी की गवाही की जमानत अपने पर नुकसान देती है। नौकरी में पद से हटाया जाना और व्यापार में घाटा होता है, मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग तंग करते हैं। नंबर 28, लिटिल फिंगर के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है, ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब और गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर होता है। नंबर 29, हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध से ऊपर का क्षेत्र जो चंद्र क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, प्रेम में लगातार असफलता मिलती है। नंबर 30, गले पर तिल वाला व्यक्ति आराम मतलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो व्यक्ति के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है और उनके मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है। नंबर 31, छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है, ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है और पुरुष भाग्यशाली होते हैं और शिथिलता छाई रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। नंबर 32, पेट पर तिल हो व्यक्ति चटोरा होता है, ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन और मिष्ठान प्रेमी होता है, उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। नंबर 33, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं पर होने से दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है।